मूवी का स्टार्ट एक पोस्टमैन को दिखाते हुए होता है जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक घर में लेटर पोस्ट करने के लिए आया था, जबकि उसी घर में एक लेडी लाउड म्यूजिक लगाकर खून वाले कपड़ों को साफ कर रही थी। उसी घर में हम दीवार पर दो ट्विंस बच्चों की पिक्चर भी देखते हैं। ये दोनों बच्चे उस लेडी के थे। पोस्टमैन जब डोर पर नॉक करता है तो वो लेडी दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि लाउड म्यूजिक लगे होने की वजह से उस लेडी को नॉक की आवाज नहीं आती। फिर पोस्टमैन को घर के पीछे बेसमेंट से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही पोस्टमैन बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो जो कोई चीज भी वो वहाँ पर देखता है वो उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि असल में वहाँ पर एक क्रिएचर था। और जैसे ही पोस्टमैन पीछे मुड़ता है वो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर खींच के उस पोस्टमैन को अंदर ले जाता है। फिर हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस फॉरेस्ट को अब कैंप एरिया के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ऐसा कैंप था जहाँ मोबाइल और इंटरनेट एडिक्ट बच्चों को लाया जाता था, और वो यहाँ पर इसीलिए लाए गए थे ताकि उनकी ये आदत खत्म हो जाए। वहाँ पर टोटल 50 बच्चे थे जिन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। वहीं कैंप का मैनेजर उन सब बच्चों को काफी समझाता है कि आप इस कैंप को एक हॉलीडे की तरह ही समझें और काफी इंजॉय करें। इसके अलावा नेचर को इंजॉय करते करते यहाँ पर नए नए फ्रेंड्स बनाए आप लोग। वो उन बच्चों को कहता है कि क्या आपको अंदाजा भी है कि आप यहाँ पर क्यों लाए गए हैं? क्योंकि आप मोबाइल इंटरनेट और लैपटॉप के इतने ज्यादा एडिक्ट हो गए हो कि अब आप उसके बगैर रह ही नहीं पाते। लेकिन अब तो आप लोगों के पास इतना अच्छा चांस है इस एडिक्शन से बचने का। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर उन सारे बच्चों से उनके मोबाइल्स, उनके टैबलेट्स और लैपटॉप्स ले लिए जाते हैं, और बच्चों को एनर्जेटिक करने के लिए उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, क्योंकि वो बच्चे बोरिंग फेसेस के साथ क्लैपिंग कर रहे थे। फिर हम जंगल के उसी घर का सीन देखते हैं। अब क्योंकि 30 साल गुजर चुके थे तो वो औरत अब बूढ़ी हो चुकी थी। उस लेडी ने उस क्रिएचर के लिए एक हिरन का शिकार भी किया था जो उसके बेसमेंट में था। लेकिन जैसे ही वो हिरन को बेसमेंट में फेंकने के लिए जाती है, उसका पांव स्लिप हो जाता है और वो खुद भी जाकर बेसमेंट में गिरती है, जहाँ पर वो क्रिएचर उस लेडी को अपना शिकार बनाकर मार डालता है। फिर वो क्रिएचर बेसमेंट से बाहर आने लगता है, और यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम उस क्रिएचर को देख पाते हैं, जो कि काफी क्रीपी लुक दे रहा था और वो काफी फैटी भी था। कैंप में बच्चे ट्रैकिंग के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोसिया होता है। जोसिया के हाथ पर चोट लग गई थी, इसीलिए वो अपनी चोट को एक रुमाल से बांध रही थी। जोसिया किसी बात को लेकर हमेशा ही सैड रहती थी। फिर इतनी ही देर में वहाँ पर एक फादर आ जाता है। वो उन सारे बच्चों के लिए प्रे करता है और उन बच्चों के मोबाइल्स और लैपटॉप्स पर हॉली वाटर छिड़कता है और कहता है कि इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहाँ पर एक लड़की जोसिया और उसके फ्रेंड्स के ग्रुप को लीड कर रही थी। उस ग्रुप में टोटल 5 बच्चे थे। वो बच्चे अपना सारा जरूरी सामान लेकर 2-3 दिन के लिए ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में 2 लड़कों की लड़ाई हो जाती है, जिससे एक लड़का थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और जोसिया उसकी हेल्प करती है। जोसिया की एक फ्रेंड की नजर एक मरे हुए हिरन पर पड़ती है। जोसिया का फ्रेंड जब उस मरे हुए हिरन को देखता है तो वो चिल्लाने लगता है डर से। तब वो सारे बच्चे भी उस हिरन को देखने आते हैं। उस ग्रुप की लीडर कहती है कि ये किसी जानवर का काम तो नहीं लगता, क्योंकि इस हिरन की इतने बुरे तरीके से चीरफाड़ की हुई है। लेकिन तभी अचानक से जोसिया को कोई आवाज सुनाई देती है और वो उस तरफ देखती है जहाँ से वो आवाज आ रही थी। तो वहाँ पर उसे ट्री के पास एक अजीब सा डरावना सा हाथ दिखाई देता है। फिर ग्रुप की लीडर उन बच्चों से पूछती है कि आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं। तब जोसिया का एक फ्रेंड बताता है कि मैं नंबर 1 यूट्यूब गेमर था और मेरे चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी थे। वो बताता है कि मैंने इतने सारे सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए बहुत बार क्लासेस बंक भी की थी, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स काफी परेशान थे, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस कैंप में भेज दिया। वो बताता है क्योंकि मैं एक गेमिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहता था, मगर अफसोस की बात तो ये है कि अब मैं इस कैंप में आ गया हूँ। तभी उन लोगों के कैंप के पास एक जंगली लोमड़ी आ जाती है, लेकिन वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर जोसिया का एक फ्रेंड पूल के पास बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है और उसके पास जोसिया की एक फीमेल फ्रेंड भी आ जाती है। वो दोनों ही स्मोकिंग करने लगते हैं और काफी बातें भी करते हैं। अब क्योंकि काफी रात हो चुकी थी तो जोसिया की फ्रेंड सोने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जोसिया का मेल फ्रेंड अपना मोबाइल फोन निकालता है, जो कि उसने सबमिट नहीं करवाया था बल्कि छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है और वो जोसिया के फ्रेंड को बुरी तरह से मार डालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जोसिया एक ड्रीम देखते देखते जाग गई है। जोसिया ने अपने ड्रीम में देखा होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी और वो लोग कहीं पर जा रहे थे। लेकिन फिर जोसिया की मदर सेल्फी लेने लगती है, जिसकी वजह से जोसिया के फादर का ड्राइविंग पर से ध्यान हट जाता है और उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग फिर से ट्रैकिंग के लिए रेडी हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उन लोगों का एक फ्रेंड अभी भी मिस था, जिसे कल रात उस क्रिएचर ने मार डाला। जोसिया की फीमेल फ्रेंड बताती है कि मैंने उसे पूल के पास देखा था। फिर वो लोग अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए वहीं पर जाते हैं, जहाँ पर जोसिया को एक ट्री के ऊपर खून का निशान मिलता है। वो लोग अपने उस फ्रेंड को ढूंढने की काफी कोशिश
करते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर उनके ग्रुप की लीडर जोसिया और एक और बच्चे के साथ उस फ्रेंड को ढूंढने के लिए जाती है, जबकि पीछे से जोसिया के दो फ्रेंड्स कैंप के पास ही बैठे हुए थे। फिर जोसिया और उसके बाकी दोस्त अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उस क्रिएचर के घर पर पहुंच जाते हैं। जहां पर वो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं वो देखते हैं कि वहां पर बहुत गंदी स्मेल आ रही है। फिर वो लोग बेसमेंट में जाते हैं और वहां जाकर वो अपने फ्रेंड की डेड बॉडी देखते हैं जिसका काफी बुरा हाल था। वो लोग अपने फ्रेंड की ऐसी हालत देखकर डर जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो क्रिएचर भी आ जाता है जिसे देखकर वो सब पैनिक कर जाते हैं। फिर ग्रुप के लीडर जोसिया और दूसरे बच्चे को पिछले रास्ते से बाहर निकाल देती है, लेकिन जब वो खुद बाहर आने लगती है तब उस फ्रेंड का फोन बजने लगता है जो मर चुका है, लेकिन वो क्रिएचर वहां पर आकर उस ग्रुप के लीडर को बुरी तरह से मार देता है और उसका सर काट कर बाहर फेंक देता है। दोनों बच्चे ये देखकर काफी डर जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोसिया के दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से लड़का बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे बुरे काम किए हैं जिस पर मुझे काफी अफसोस है। वो बताता है कि जो मैंने उल्टे काम किए हैं वो किसी कर्ज से कम नहीं है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो क्रिएचर पीछे से आकर उस लड़की के सर में एक वुडन रॉड घुसा देता है और उस रॉड की दूसरी साइड को वो उसके मुंह से निकालता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जोसिया का मेल फ्रेंड ये सब कुछ देखकर काफी डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक चर्च में आ जाता है जहां पर जाकर वो उसी फादर से मिलता है जो उनके कैंप में भी आया था। जोसिया का वो फ्रेंड उस फादर को सारी बात बता देता है लेकिन फादर उसकी बात का यकीन नहीं करते और वो जोसिया के फ्रेंड को बेहोश कर देते हैं और बाद में उसे चेयर से बांध देते हैं। और जब जोसिया के उस फ्रेंड को होश आती है तब वो फादर उसे कहते हैं कि मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं। तुम लोग अपनी जिंदगी में उल्टे सीधे काम करते हो और फिर यहां पर आ जाते हो। फादर उससे कहते हैं कि तुम पिछले साल भी आए थे ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। और तुम जैसे लोग सोसाइटी के लिए सिर्फ एक बुरी चीज है। फिर फादर को चर्च के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तब वो फादर चेक करने के लिए बाहर जाता है। तब वो क्रिएचर फादर को पकड़कर उसे बुरी तरह से मारने लगता है। फिर वो क्रिएचर फादर को एक ग्राइंडिंग मशीन में फेंक देता है जिससे उस फादर की सारी बॉडी ग्राइंड हो जाती है और एक बहुत बुरे तरीके से उसकी मौत हो जाती है। चर्च के अंदर जोसिया का फ्रेंड किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और अपनी जान बचाने के लिए वो एक बॉक्स पे छुप जाता है। जोसिया और उसका फ्रेंड भागते भागते एक अननोन पर्सन के घर पर चले जाते हैं और ये अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही पोस्टमैन था जिसे हमने आज से 30 साल पहले उस घर के पास देखा था। वो लोग उस पोस्टमैन से हेल्प मांगते हैं। पोस्टमैन उन लोगों को उस क्रिएचर की कहानी सुनाता है कि कुछ साल पहले एक लेडी अपने ट्विन बेटों के साथ उस घर में रहा करती थी। फिर एक दिन स्पेस से एक फायरबॉल इस फॉरेस्ट में आकर गिरा जहां पर वो दोनों बच्चे उस फायरबॉल को एक स्टोन समझकर अपने घर में ले आए और रात को सोते टाइम उन बच्चों ने उसे अपने बेड के नीचे रख लिया। लेकिन रात के टाइम उसमें से एक अजीब तरह का ब्लैक कलर का लिक्विड निकला और वो लिक्विड उन दोनों बच्चों के अंदर चला गया जिससे देखते ही देखते वो दोनों बच्चे चेंज हो गए। दोनों बच्चे ही अजीब से क्रिएचर में कन्वर्ट होते जा रहे थे। वो बच्चे इतने खतरनाक बन गए कि उन्होंने अपने डॉग को भी मारकर खा लिया। नेक्स्ट डे जब उन बच्चों की मदर ने उनका ऐसा हाल देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गई और उसने उन दोनों को हमेशा के लिए ही उस बेसमेंट में बंद कर दिया और वो सालों से उसी बेसमेंट में अपने बच्चों को खाना देती रही और फिर एक दिन वो भी उनका शिकार बन गई। और यहां पर हम आपको ये बता दें कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि वो दोनों ट्विन बच्चे हैं और क्रिएचर भी कोई एक नहीं बल्कि दो हैं। ये कहानी सुनकर वो दोनों बच्चे साइड करते हैं कि अगर हम यहाँ से बचकर वापस जाना चाहते हैं तो हमें अपने उस फ्रेंड का मोबाइल लेना चाहिए जिसे उस क्रिएचर ने मार डाला है, ताकि वो उस मोबाइल से कांटेक्ट करके किसी से हेल्प मंगवा सके। और मोबाइल लेने के लिए उन्हें उसी बेसमेंट में उस क्रिएचर के घर में जाना होगा और वो लोग ऐसा ही करते हैं और वहां पर चले जाते हैं। घर के बाहर पहुंच कर जोसिया अपने फ्रेंड को एक नाइफ देती है और उसे वहीं पर वेट करने के लिए बोलती है और खुद वो अंदर जाती है। वहां जाकर वो मोबाइल लेने में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने लगती है वहां पर वो क्रिएचर जाता है और वो क्रिएचर जोसिया को भी पकड़ लेता है। वो जोसिया को नहीं मारता बल्कि वो उसके करीब आता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे जोसिया उसे अच्छी लग रही हो, लेकिन तभी जोसिया का फ्रेंड पीछे से आकर उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है जिससे उस क्रिएचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोसिया के उस फ्रेंड को बहुत बुरा मार डालता है। इसी लड़ाई के दौरान जोसिया भी इंजर्ड हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जोसिया को एक बार फिर अपनी फैमिली के एक्सीडेंट वाला वो ड्रीम आता है जहां पर वो देखती है कि उसके फादर तो बच गए हैं लेकिन वो इंजर्ड हैं और तड़प रहे हैं। लेकिन जोसिया चाहते हुए भी अपने फादर की हेल्प नहीं कर पा रही थी। जैसे ही बेसमेंट में जोसिया को होश आती है वो देखती है कि उसका फ्रेंड तड़प रहा है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है क्योंकि उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था। वो जोसिया को कहता है कि इस नाइफ को निकाल दो ताकि वो इजीली मर जाए और जोसिया रोते हुए उसके पेट से वो नाइफ निकाल देती है और ऐसा होते ही जोसिया की उस फ्रेंड की मौत हो जाती है। जोसिया देखती है कि उस क्रिएचर ने उसे चेन से बांधा हुआ है क्योंकि जोसिया उसे अच्छी लग रही थी और वो उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन जोसिया
उस नाइफ से उस चेन को तोड़ देती है। लेकिन जैसे ही जोसिया वहाँ से भागने लगती है, उसे कुछ याद आ जाता है। हम पहले देख चुके हैं कि जोसिया के हाथ में चोट लग गई थी, जिसे वो रुमाल से कवर कर रही थी। असल में बात ये है कि उसकी फैमिली के एक्सीडेंट के बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और हमेशा सैड ही रहती थी, और गिल्ट से बचने के लिए उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। इसीलिए जोसिया को डिप्रेशन से निकालने के लिए इस कैंप में भेजा गया। लेकिन बेसमेंट में किसी तरह जोसिया हिम्मत का मुजाहिरा करती है और वो वहाँ पर पड़ी एक मशेटी को उठाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस बेसमेंट से बाहर आने लगती है जहाँ पर वो क्रिएचर सो रहा था। जोसिया उस मशेटी से उस क्रिएचर पर अटैक करके उसे मार डालती है। फिर पोस्टमैन को अपने घर के बाहर किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है, जिसे वो पोस्टमैन क्रिएचर समझ लेता है और उस पर फायरिंग करके उसे मार डालता है। फिर इसके बाद पोस्टमैन चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर वो क्रिएचर नहीं था बल्कि जोसिया का फ्रेंड था, जो किसी तरह चर्च से बचते हुए भागकर यहाँ पर आ गया। लेकिन अब क्योंकि उसे इतनी सारी गोलियां लग गई थी, इसी वजह से वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उसे जंगल की एक सड़क पर अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर जोसिया आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को रुकवा लेती है। जोसिया उसे सारी रियलिटी बता देती है। पुलिस ऑफिसर जोसिया की हेल्प करने के लिए उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वहाँ से ले जाने लगता है। वो पुलिस ऑफिसर जोसिया को वापस कैंप में छोड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उस क्रिएचर का दूसरा ट्विन भाई पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी रोक लेता है और उसकी हेल्प करने के लिए जाता है कि शायद वो मुसीबत में है। जोसिया उसे चिल्ला चिल्ला कर उस क्रिएचर के पास जाने से रोकती है, लेकिन वो जोसिया की सुन नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर उस क्रिएचर के पास जाता है, वो क्रिएचर एक कुल्हाड़ी से उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे बहुत बुरी मौत देता है। ये देखकर जोसिया बुरी तरह डर जाती है, जहाँ पर वो खुद गाड़ी में बैठकर बार बार उस क्रिएचर पर गाड़ी चढ़ाती रहती है, जिससे वो दूसरा क्रिएचर भी मर जाता है। फिर जोसिया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो कि शराब के नशे में थे और वहीं जंगल में फिर रहे थे, लेकिन तभी वो दोनों उस क्रिएचर के पास आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो क्रिएचर फिर से जिंदा हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो मरा ही नहीं था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।